की कोशिश कर रहा था, बट ना तो मुझे चश्मे से दिखाई दे रहा था और ना मुझे एयरपोर्ट से सुनाई दे रहा था। अब आप कहोगे क्योंकि मैं पागल हूँ, चश्मा मुझे आंखों पर पहनना चाहिए और एयरपोर्ट मुझे कानों पर लगाने चाहिए अगर मुझे उससे देखना है या मुझे उससे सुनना है। तो अब क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, अगर आपको अपना सर बचाना है तो हेलमेट आपको सर पर पहनना चाहिए या बाजू में पहनना चाहिए? हाँ लड़कों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो लड़के जो हेलमेट अपनी बाजू में चढ़ा के निकलते हैं या हाथ में लेके निकलते हैं, बात उनसे हो रही है। भाई तुमको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, हेलमेट कहाँ पहनना है? हेलमेट हाथ में पहनने का है? तुम्हारा भेजा तुम्हारी कोनी में है या तुम्हारा भेजा तुम्हारे हाथ में है? अच्छा हेलमेट हाथ में इसीलिए कि अगर पुलिस दिखेगी तो हम निकाल के पहन लेंगे। अरे भैया हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं है, हेलमेट जान बचाने के लिए है। अरे पागलों, हेलमेट सर पे पहनने के लिए है, पुलिस से बचने के लिए नहीं है। पुलिस का डंडा तुम्हारे सर पे हेलमेट पहनाने के लिए है, तुम्हारी बगल में पहनाने के लिए नहीं है। आप अगर हिस्टोरिकली डेटा पढ़ते हैं या एनालिसिस पढ़ते हैं तो ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में जो बाइक पे हुए होते हैं उसमें मौत की दर हाई है हेड इंजरी की वजह से, एल्बो इंजरी की वजह से नहीं। समझ में आती है छोटी सी बात आपको? आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि आपने तो बाइक शाहरुख खान देखने के लिए खरीदी है, आपने तो बाइक जॉन। अगर खुदा ना खास्ता कहीं टक्कर हो गई ना तो बचोगे नहीं, सारी खूबसूरती का तेल निकल जाएगा एक ही दिन में। और तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो सोचते हो तुम हीरो ही पैदा हुए तो हीरो ही चले जाओगे, घर वालों क्या होगा तुम्हारे? भैया बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। जब तुम तैयार होके हेलमेट बाजू पे चढ़ाकर निकलते हो बाइक पे तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम किसी फिल्म के हीरो लग रहे हो और ये रोड जो है ये किसी फिल्म का शॉट है। अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी में जो तुमको देख रहा है वो ये कहता है आ गया गंवार। ये वही गंवार है जिसने मोटरसाइकिल तो खरीद ली है बट अकल नहीं है क्योंकि तुमने हेलमेट सर पे नहीं पहना है, हेलमेट बाजू में पहना है। अरे भैया थोड़ा अपना ख्याल कर लो, थोड़ा अपने घर वालों का ख्याल कर लो। और स्पीड में क्या दिक्कत है भैया तुम्हें? स्पीड में दिक्कत क्या तुम्हें भैया? गाड़ी बनाई गई है समय बचाने के लिए, तुम गाड़ी में बैठ के समय से आगे दौड़ लगा रहे हो। मुझे 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 कमेंट्स में बताओ तुम्हें दिक्कत